दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आंगनवाड़ी की लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। 23,730 सीटें हैं जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। इसमें आशा वर्कर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, जबकि आशा वर्कर आंगनवाड़ी प्रबंधन के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं और आंगनवाड़ी शिशु कला अध्यापिका के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट indsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आंगनवाड़ी नोटिफिकेशन 2021 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, वुमेन्स वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। पोस्ट की अगर इसमें बात की जाए तो आशा वर्कर आंगनवाड़ी प्रबंधन, आशा वर्कर आंगनवाड़ी सहायिका और आंगनवाड़ी या शिशु कला अध्यापिका की यहाँ पर पोस्ट है। 23,730 यहाँ पर कुल सीट्स निकली है। बात अगर सैलरी की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। बात अगर इसमें क्वालिफिकेशन की जाए तो आशा वर्कर आंगनवाड़ी प्रबंधन के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, आशा वर्कर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 8वीं या 10वीं पास, आंगनवाड़ी शिशु कला अध्यापिका के लिए स्नातक यानी कि ग्रेजुएट डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष है। एप्लीकेशन फीस की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन मेरिट से होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। mvpsonline.com पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती के बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस टेबल के एंड में आप देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जहाँ दोस्तों महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है, आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल चेक कर सकते हो। आशा वर्कर आंगनवाड़ी भर्ती पूर्व दुरस्त अनुशिक्षण के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, भारत के सभी शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वच्छता शिक्षा स्वास्थ्य एवं शिक्षण योजनाओं में सहभागिता के प्रति महिलाओं को जागरूक एवं परिशिक्षित करने हेतु आशा वर्कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में मार्गदर्शन हेतु पूर्व अनुशिक्षण के अंतर्गत सभी राज्यों की इच्छुक महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पर आप पाठ्यक्रम चेक कर सकते हो। आशा वर्कर आंगनवाड़ी प्रबंधन इसके लिए 3 माह का लिया है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 12वीं पास है। आशा वर्कर आंगनवाड़ी सहायिका के लिए 3 माह की अवधि है कोर्स की और यहाँ पर न्यूनतम योग्यता 8वीं या 10वीं पास है। आंगनवाड़ी या शिशु कला अध्यापिका के लिए 6 माह की यहाँ पर अवधि है। न्यूनतम योग्यता यहाँ पर स्नातक यानी कि ग्रेजुएट पास है। अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन करने की 23 मार्च 2021 है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 45 वर्ष है और साथ साथ कुल सीटें की बात की जाए तो 23,730 यहाँ पर कुल सीट्स है। mvpsonline.com पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जो महिला यह प्रशिक्षण कर रही है या कर चुकी है एवं इस क्षेत्र में पहले से कार्यरत है, कृपया वह आवेदन न करे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल्स दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत। ऑनलाइन की अगर बात की जाए तो रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी हमारे पोर्टल पर दिया गया है। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको पूरा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। स्टेप वन में आपको सबसे पहले फीस पेमेंट करनी होगी। लिंक यहाँ पर दिया गया है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में प्रोसीड टैब पर क्लिक करना होगा और यहाँ से सिंपली फीस पेमेंट करना होगा। इसी तरह यहाँ पर स्टेप सेकंड के अंतर्गत आपको सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आशा वर्कर या आंगनवाड़ी सहायिका अध्यापिका और आशा वर्कर आंगनवाड़ी प्रबंधन। यहाँ पर आप जैसे किसी भी पोस्ट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको एप्लीकेंट्स नेम डालना होगा, पिता या पति का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, जन्म तिथि उसके बाद में सिलेक्ट करनी होगी, ईमेल आईडी और स्थायी पता यहाँ पर आपको डालना होगा पिन कोड के साथ में। राइट साइड में आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना होगा
और साथ साथ यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी, फोन नंबर फिलअप करना होगा, बैंक रिसिप्ट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी, रजिस्ट्रेशन शुल्क आपको यहाँ पर पूरा फिलअप करना होगा, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और साथ साथ में यहाँ पर अपलोड करना होगा एड्रेस प्रूफ, उसके बाद में SST सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, उसके बाद में यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटेल्स नियम और शर्तें दी गई हैं, इनको आपको ध्यानपूर्वक पूरा रीड करना होगा, उसके बाद में सबमिट कर देना होगा। ऐसे आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सिंपली यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको लॉगिन टू अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका लॉगिन का सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन करना होगा और ध्यानपूर्वक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। और साथ साथ यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए भी PDF का लिंक दिया गया। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पूरा हिंदी में यहाँ से रीड कर सकते हो। ऑनलाइन भुगतान करने के लिए भी पूरी डिटेल्स दी गई है और स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लाइव दिखाया गया है कि कैसे कैसे आप इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, स्टेप वाइज आप सिंपली यहाँ से ऑनलाइन आवेदन फिलअप कर सकते हो। हिंदी में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आवेदन करने से पहले आपको ये पूरी PDF पढ़ना अनिवार्य है, इसको पूरा पढ़ के आप सिंपली आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रिंट ऑफ मीडिया सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर आप देख सकते हो महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत ये शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से पूरे शॉर्ट नोटिस चेक कर सकते हो। आंगनवाड़ी से रिलेटेड और भी यहां पर अपडेट आ चुकी है, वो भी आप यहां से सिंपली चेक कर सकते हो। इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है आंगनवाड़ी के इस प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।